हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के बज रहे हैं 10 और हम कर रहे हैं एक नए वीडियो को स्टार्ट, एक नए व्लॉग को स्टार्ट और एक नई सुबह एक नए व्लॉग के साथ मैं आ गया हूँ आपके साथ फिर से। और ये है दिव्यम पाटनी, इधर देखो भाई, और बाकी किरदारों से भी हम आपको मिलाएंगे। तो अभी साक्षी के बाल बना रही है भाभी, तो वो भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। और सुबह सुबह आज बहुत अच्छी धूप आ गई है, आज कोहरा नहीं लगा हल्द्वानी में, तो बहुत अच्छा वेदर है आज का। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ और देखिए आगे की कहानी हमारे साथ देखिए। तो फ्रेंड्स, अभी साक्षी के बाल बनाए जा रहे हैं और भाभी साक्षी के बाल बना रही है। साक्षी इधर देख, साक्षी थोड़ी सी सैड है आज, और सैडनेस का रीजन मैं आपको बता नहीं सकता अभी। और ये है दिव्यम पाटनी, और वहाँ पे हमारा जीपर सोया है, और चार्ली किसी का इंतज़ार कर रहा है, कह रहा है आज कोई मेहमान आ क्यों नहीं रहे, क्योंकि कल तक बहुत लोग आ रहे थे। जब ज़्यादा लोग होते हैं तो ये एक्साइट हो जाता है और खुश भी बहुत हो जाता है। भाई क्या कर रहा है, इधर आ, ले ले चार्ली, चार्ली कम है यार बच्चा, आ जा। तो फ्रेंड्स, मैं बाकी के फैमिली मेम्बर्स से मिलाता हूँ आप लोगों को। तो एक भाभी तो मैंने आपको दिखा दी, और दूसरी हमारी इनोसेंट सी भाभी है, उससे भी मिलाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं एक भाभी से मिला चुका हूँ, और दूसरी हमारी रेनू भाभी है। रेनू भाभी अभी थोड़ा सा काम कर रही है, देखिए थोड़े से बर्तन अर्तन धो रही है। भाभी कुछ बोलो, क्या बोलोगे, और भी तो कुछ बोलो, कुछ अच्छा बोलो ना, सुविचार बोलो। चलो आज भाभी को हंसी आ गई, बोल बोल के थक गई ये भाभी, थक गई है बोल बोल के। तो फ्रेंड्स, आप भी लोग मना सकते हो भाभी को, हमसे तो भाभी थक गई है बोल बोल के, और बर्तन धो धो के और बर्तन धो के भी थक गई है। तो अगर आप लोगों को भाभी के और ऐसे वीडियो देखने हैं, इनोसेंट सी भाभी है हमारी, तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। भाभी के ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। और ये हमारी माता जी, मम्मी क्या खा रहे हो आज, आज खिचड़ी खा रहे हो क्या, खिचड़ी माघ का महीना है ना, खिचड़ी खा रहे हैं, माघ के महीने के पहले दिन आज खिचड़ी खा रही है मम्मी, माघ में खिचड़ी बनाई है हमने, खिचड़ी खा रहे हैं। तो देखिए हमारी प्यारी सी मम्मी। ओ चार्ली, तू क्या ले आया, ये देखो लकड़ी ले आया, लकड़ी लाके भाग गया है। ओ भाई भाग, पकड़ो इसकी लकड़ी, पकड़ो इसकी लकड़ी, लकड़ी ले आया है, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, इसे पकड़ो, पकड़ साक्षी, लकड़ी ले आया हो, चल खेलने दे। अब ऊपर को कर, ऊपर का जंप करेगा, ऊपर कर, क्या बात है, देखो लकड़ी पकड़ रहा है ये चार्ली, हमारे बच्चा, क्या बात है, वेरी गुड। हमारी पूरी फैमिली, भाई लोग, भाभी लोग, हम सब लोग जा रहे हैं नैनीताल घूमने, और आगे बच्चा बैठा है मेरे साथ, ये पता नहीं मेरे मामा का छोटा बच्चा है कि बड़ा बच्चा है, पता नहीं। और ये भाई गाड़ी चला रहा है, और मम्मी, मम्मी को नहीं ले जा रहे आज, जाओ जाओ, इधर आओ आगे को आओ ना, ब्राइटनेस चमक रही है, बाय, अंदर को करो मुंह। तो आज मम्मी यही है हमारे साथ, मम्मी नहीं आ रही है, मम्मी को हम छोड़ जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी के पास दो दो है, एक जीपर है, एक चार्ली है, ताई जी जीपर को छोड़ गई है इधर। और वो देखिए नानी, हेलो करो, अरे इसके साथ चल, 8 बजे पहुंचाएगा ये। तो हमारी सवारी चल गई है, और ये साक्षी और ये मंकू और भाभी एक साथ, और ये छोटा बच्चा, किसका बच्चा है तू, कौन से मामा का बच्चा है, हाँ नाम बताओ अपने पापा का, अच्छा क्या बात है, नाम भी बता दिया इसने, क्या हो गया? और हम पहाड़ी वेशभूषा में आज जा रहे हैं नैनीताल को पहाड़ों में घूमने, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। हम लोगों ने आधा रूट कवर कर दिया है, और ये बच्चा मेरी गोदी में सो गया है, एक क्यूट से बच्चे, देखो तो कितना क्यूट बच्चा है हमारा, कितना क्यूट बच्चा है, हमारा बच्चा नहीं मामा का बच्चा है, मेरे बहुत कॉमेडियन मामा है ना, उनका बच्चा है, और उसकी बहन पीछे है। ए बहन, आईफोन वाली बहन, भाभी के आईफोन का पासवर्ड आसवर्ड सब पता कर लिया है इसने, और इसे
बाकी लोगों के फोन की प्राइवेसी चेक करने में बड़ा मजा आता है, क्यों साक्षी? नहीं। और ये देखो दोनों कपल्स बैठे हैं और भाभी ने स्माइल कर दी। भाभी कैसा लग रहा है आपको रूट? कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्यों, पिथौरागढ़ अच्छा लग रहा है कि ये वाला रूट अच्छा लग रहा है? ज्यादा अच्छा तो बताओ। ज्यादा क्या बताओ, दोनों ठीक है। आप बताओ भाभी। आप बताओ। आप बताओ। मुझे नैनीताल वाला रूट अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पर कभी कभी ऐसे बस अचानक से आ जा रही है, डर लग रहा है। तो भाभी को थोड़ा डर लग जा रहा है, कोई नहीं, लेकिन भाभी डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पिलाएंगे हम भाभी को नैनीताल पहुंच के, तो भाभी का डर छू मंतर हो जाएगा। छू मंतर, भाग जा भाभी का डर, भाग जा, भाग गया। और भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं, ये देखो फ्रेंड्स, रास्ते में देखिए आगे जो हमारी गाड़ी चल रही है ना, इसके टायर का व्हील कैप देखिए कितनी हिल रही है। देखिए ड्राइव करें, सेफ ड्राइव करें, और पूरी गाड़ियों के सारे के सारे टायर चेक करा लीजिए एक बार। इतना दूर ट्रैवल करते टाइम ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी चाहिए हमें। ये देखिए, और देखिए हमारा प्यारा सा नैनीताल हम पहुंचने ही वाले हैं। ये जगह ऐसी है ना, आप लोग जितनी बार आ जाओ मन नहीं भरता, हमारा तो भरता ही नहीं है, तो इसलिए हम और चले आए इधर। और ये पुलिस चौकी आ गई है नैनीताल की। एक घंटे की डिस्टेंस है, ज़्यादा दूरी नहीं है। और देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है इधर पे, सामने ही हमारे ताल है और हमारी एंट्री हो रही है तल्ली ताल से। तो देखिए यहाँ पे आप लोग स्कूटी रेंट में भी ले सकते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा ऑप्शन है आप लोगों के घूमने के लिए, और बहुत अच्छा इन्जॉयमेंट होगा आप लोगों का इधर। फिलहाल तो हम लोग करेंगे इधर इन्जॉय, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। तो दिखाते हैं आप लोगों को हम लोग नैनीताल की ब्यूटीफुल सीनरी, और पीछे साक्षी और भाभी। तो भाभी तो फर्स्ट टाइम आई है आज। भाभी कैसा लग रहा है नैनीताल? बढ़िया। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। नैनीताल में क्या क्या खाओगे भाभी आप लोग? क्या क्या मिलता है और देखते हैं। मोमो, चाउमीन, आइसक्रीम, मैगी, बताओ। बाकी आपका फेवरेट क्या है भाभी? मोमो। मोमो, बस मोमो ही खाना है? तो बस मोमो ही चाहिए। तो भाभी को हम लोग मोमो खिलाएंगे। तो पहुंचते ही यहाँ पे हम टोल कटवा रहे हैं, बहुत महंगा कर दिया है यहाँ टोल, 110 रुपए, एक टाइम पे 60 रुपए हुआ करता था। तो देखिए टोल काटने वाले भैया को दिखाते हैं, इनका फेस तो दिख नहीं रहा है, तो दिखा दिया। अभी लिखा भी है कृपया किसी भी पद का परिचय देकर शर्मिंदा ना करे, तो हमने भी अपना पद का परिचय नहीं दिया है, वैसे ही सिंपल मैन है, आम आदमी है हम। तो पहुंच गए नैनीताल, देखिए ब्यूटीफुल सीनरी, यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क बना रखा है, और ये बच्चा पार्क देख के इतना खुश हो गया ना। बच्चा इधर देख, तू पार्क देख के खुश हो जाता है ना, कितना खुश हो गया तू पार्क देख के? बहुत ज्यादा खुश हो गया है पार्क देख के। तो ये देखो ये नैनीताल की ब्यूटीफुल ताल। तो हम नीचे वाली रोड पे है, ये अंग्रेजों के टाइम की रोड है। यहाँ की सीनरी, यहाँ के पहाड़,
और यहाँ की ब्यूटीफुल लेक, इन्हीं चीजों का दीवाने हैं हम। तो फ्रेंड्स, हमारे व्लॉग में आप लोगों को ऐसे ही पहाड़ दिखते रहेंगे, पहाड़ों का ब्यूटीफुल व्यू दिखते रहेगा। तो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, और इस वीडियो को बहुत जनों तक शेयर करिए और दूर तक पहुँचाइए। और तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। अभी हम लोग कार पार्किंग में पहुँचे नहीं है, कुछ ही देर में हम लोग पार्किंग में पहुँच जाएंगे और करते हैं वहाँ पे कार पार्क। होपफुली हमें नीचे पार्किंग मिल जाए, वरना जब रस होता है बहुत ज़्यादा हमें ऊपर जाना पड़ता है, 3-4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके नीचे आना पड़ता है, फिर तो बहुत ज़्यादा आफत आ जाती है। तो भगवान से यही दुआ है कि नीचे पार्किंग फुल ना हुई हो, क्योंकि नैनीताल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये देखिए नैनीताल का टूरिज्म दिखाता हूँ, दूर दूर से यहाँ लोग आ रखे हैं, ये देखिए। और यहाँ भी देखिए अंकल जी को। और बाकी यहाँ पे नैनीताल का है ई रिक्शा का स्टैंड। कुछ समय पहले यहाँ रिक्शा चलते थे, लेकिन अब रिक्शा बंद हो गए हैं, तो अब ई रिक्शा चलते हैं यहाँ पे। लेकिन असली ब्यूटी इधर पे, लेकिन असली ब्यूटी यहाँ रिक्शे से ही थी, फिर भी हाईकोर्ट ने बंद करवा दिया। क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, देखिए नीचे भी देखिए क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। कुछ देर बाद हम नीचे पहुंचेंगे, आपको और क्लोज से दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, तो हम लोग पहुंचने वाले हैं नैनीताल की पार्किंग में और करते हैं गाड़ी को पार्क। तो देखते हैं कि नीचे फुल हुई है नहीं हुई है। आप लोगों को पूरा लाइव टेलीकास्ट पूरा फुल दिखाऊंगा आप लोगों को हमारे ब्लॉग में। और तो आखिरकार भाई ने कार पूरी ड्राइव करी दी नैनीताल तक। तो कैसा लगा पहाड़ों को ड्राइविंग करने का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा इन्हें। अच्छा, तो DIG साहब भी बैठते हैं इधर। तो जिस बात का हम में अंदाज था वो यार पूछ लेते हैं। पार्किंग है? है। तो होपफुली हमें पार्किंग मिली गई। तो हमने भगवान जी से प्रार्थना करी थी और हमारी प्रार्थना और मनोकामना सक्सेसफुल हो गई। तो करते हैं अब नीचे की पार्किंग में पार्क गाड़ी को, ऊपर जाने से हम लोग बच गए। और टूरिज्म देखिए, टूरिस्ट जगह जगह पे, टूरिस्ट ही टूरिस्ट, हम तो यहाँ के लोकल ही है एक तरीके से। तो यहाँ पे टिकट देते हैं गाड़ी की पार्किंग का, 110 रुपये देने पड़ेंगे आपको। तो ये भाई इधर पे, तो फ्रेंड्स 11 बजे तक आप लोग पार्क कर सकते हैं यहाँ गाड़ी। चेकआउट टाइम 11 बजे है। तो हम लोग लगाते हैं गाड़ी पार्किंग में और आगे की ब्यूटी, आगे की सीनरी थोड़ी देर बाद दिखाते हैं आप लोगों को। तब तक आप इंजॉय करिए हमारे व्लॉग को। वो पीछे का डोर खुला है, बंद कर देना। ये साक्षी वाला, साक्षी बंद कर करके आती है, दरवाज़ा खुला छोड़ के आ गई है। तो फ्रेंड्स, हमने कार पार्क कर दी है इधर पे, और देखिए इतना ब्यूटीफुल व्यू नैनीताल का, सामने से तो और ही बढ़िया दिखता है, ये देखिए। और यहाँ पे क्रिकेट का मैच भी चल रहा है, शायद से टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पे, ये देखिए। और बाकी ऊपर पहाड़ों में इतने बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे मकान लग रहे हैं, सामने से बड़े होंगे लेकिन दूर से इतने छोटे दिख रहे हैं। और देखो अभी भाभी कर रही है रेनू भाभी का मेकओवर। तो ये देखिए क्या हो रहा है इधर, जो भी है मेकओवर ही हुआ। बाकी चलो आगे को बढ़ते हैं, मेरी कैप ले आए और मैं पहाड़ी वेशभूषा में आ गया हूँ, मेरे को ठंड लग रही है। कोई बात नहीं, लेकिन कर लेंगे हम लोग ठंड सहन। तो बढ़ते हैं आगे को। तो फ्रेंड्स, हेल्प करनी चाहिए, हमने तो कर दिया, आप भी करिए अपनी तरफ से। छोटे छोटे प्यारे से बच्चे हैं और हमारे फैमिली वाले सब भाई बहन, भाई भाभी सब इधर पे है। तो जब मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग करी थी, स्टार्टिंग के दिनों में हम इधर आए थे और हम दोबारा इधर आ रखे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, तो हमारी स्मार्ट भाभी देखिए और साक्षी डांस का डांस बहुत हेजिटेट हो रही है, इसलिए कर नहीं रही है। पकड़ो भाई, पकड़ के।
फ्रेंड्स नैनीताल में लेक के पास हूँ और बढ़िया ठंडी हवा आ रही है तो बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट हो रहा है, मज़ा आ गया ठंड से, ठंड में मज़ा आ गया हम लोगों को। और ये भाभी तो क्या देख रहे हो उधर पे, मछली मछली कितनी बड़ी बड़ी है ना इधर पे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो ये देखिए और ब्यूटीफुल सीनरी। तो ये टूरिस्ट वाले हमसे कह रहे हैं पहाड़ देखिए, तो इन्हें क्या पता हम लोग पहाड़ से ही है, फिर भी हम लोग बहुत पहाड़ देख लिया है, क्या देखे अब ऊपर टूरिस्ट स्पॉट पे घुमा के लाते हैं कह रहे थे, हमने कहा नहीं हम इधर ही सही है। तो ये दिव्यम पाटनी। तो नैनीताल की एक खास बात है, यहाँ जितनी बार आओ हर बार आपको नई फीलिंग आती है, नई वाइब्स आती है और मज़ा आ जाता है। कैसा लग रहा है भाई? हेलो, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो सही है, अच्छा इन्जॉयमेंट हो रहा है और ठंडी ठंडी हवा का मजे। और देखो इन दोनों की फोटो शूट, आओ थोड़ा व्लॉग बना लेते हैं। हाय गाइस, हेलो, वंस अगेन वी आर इन नैनीताल। आजा ब्यूटीफुल नैनीताल। मुझे कुछ भी बोलने नहीं देता है गाइस, बोलो बोलो बोलो, आप बोलो आज। कितना प्यारा व्यू है, अभी हम कुछ देर में वोटिंग करेंगे, फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे वोटिंग। और वोटिंग नो, दिस इज वोटिंग, व्हाई आर यू सेइंग वोटिंग? वोटिंग वोटिंग नहीं करोगे, वोटिंग करोगे। 2024 में वोट होने वाला है ना, इसलिए वोटिंग आ रहा है, वोटिंग वोटिंग वोटिंग। तो हम शब्द का सुधार भी कर लेते हैं कभी कभार। गाइस बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, भाई की पहली पसंद स्मार्टी रहेगी। और ये हमारी बच्ची फोटो खींच रही है, हमारी बच्ची थी मामा की बच्ची, हमारी तो बहन हुई, अभी देते हैं भाई तेरे को, अभी देते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अब बोटिंग करने आ गए हैं, तो भैया ने ले लिया हमसे 640 रुपए। जब तक हमने बोटिंग के लिए हाँ नहीं बोला, इन्होंने जान नहीं छोड़ी हमारी। तो भैया इधर तो देखो, आपने हमसे 640 रुपए ले ही लिया, आखिर में ले ही लिए बोटिंग के लिए। और बोट भी अच्छे से चलाना, ये नहीं की उधर ही इधर ही आएंगे, अच्छे से बोटिंग कराना हमें। लोकल के ही हो गया, अच्छा हम भी हल्द्वानी से ही आए हैं। हाँ लोकल वालों को थोड़ा कंसेशन तो होना चाहिए, क्या करे, चलो हिट नो पे। तो हम पहुंच गए बोट्स के पास, अब बैठते हैं बोटिंग में। ठीक है ठीक है, तो दो बोट्स ले रखी है हमने, अब करते हैं बोटिंग और ब्यूटीफुल व्यू दिखाते हैं आपको लेक का बहुत करीब से। जा तो ये लोग बैठ गए बोट में, अब उसके बाद हमारी बारी, पहले फोटो शूट हो जाता है इनका। दिव्यम को चलो फोटो हम खींच लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग करने लग गए बोटिंग, और ये देखिए, हेलो करो सर, हेलो। तो ये भाई भाभी और साक्षी दिव्य, हम दोनों भाई बहन एक साथ, भैया भाभी एक साथ, और इधर भी भैया भाभी एक साथ। तो हम लोग बोटिंग के मजे ले रहे हैं और भैया हमें बोटिंग करा रहे हैं। यहाँ से नैनीताल का बोटिंग करते टाइम बहुत अच्छा व्यू आता है। तो फ्रेंड्स देखिए अब थोड़ी छाया आ गई है और थोड़ा बहुत ठंड भी हो गई है, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मज़ा आ गया बोटिंग करने में। तो दोनों भाई हमें बोटिंग करा रहे हैं, एक इधर एक इधर। हेलो इधर देखो भाई, हेलो हमारे ब्लॉग को देखो। तो भैया ने भी हमारे ब्लॉग में बहुत सहयोग दे दिया है, और ऊपर देखिए ट्रॉली भी जा रही है, यहाँ से पूरा नैनीताल दिखता है, पूरे कोने कोने दिखाएंगे हम आपको नैनीताल के। और यहाँ पे नैनीताल की क्लॉक टावर देखिए, बाकी बतख वाली बोट देखिए इधर पे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ खेल चल रहे हैं इन दोनों के, पानी से भिगाने वाले, भाभी किसी को छोड़ने वाली नहीं है। ये देखो ये साक्षी को भिगाने वाले खेल चल रहे इधर दोनों के बीच में। तो मत करो भाभी, खाली बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा इधर। वो रेनू भाभी भी किसी से कम नहीं है, ये देखो भाई साहब ठंडा लग गया हाथों में, भाभी को हाथों में ठंडा लग गया। तो देखिए अब और अच्छा व्यू दिखेगा, जितनी दूर दूर जाएंगे उतना बढ़िया व्यू दिखेगा आप लोगों को। ये देखिए
तो आज अच्छी बोटिंग हो रही है नैनीताल में। तो फ्रेंड्स देखिए आपका अपना सौरभ पांडे बोटिंग कर रहा है और हमें बड़ा मजा आ रहा है बोटिंग करने में। तो क्या बढ़िया लेक का व्यू, क्या बढ़िया पहाड़ों का व्यू, सारे सब दिखा में। तो फ्रेंड्स हम लोग कर रहे हैं बोटिंग और हमें आ रहा है बड़ा मजा। क्या आ रहा है? मजा आ रहा है। बहुत ठंड भी लग रही है और इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन देखो, इतना ठंडा पानी। बिल्कुल भाई की शादी के बाद पहली बार बोटिंग कर रहा है भाभी के साथ। तो इधर पे रेनू भाभी बोलो तो कैसा लग रहा है बोटिंग करते हुए? हम तो आप अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो हाथ उठाओ सबके सब, जल्दी से जोर से बोलना पड़ेगा। तो कह रही है अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैंने कहा जोर से बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और फुल जोश के साथ हम बोटिंग कर रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है बोटिंग करने में। ये देखो लेक का व्यू। भाभी यहाँ देखो, कुछ बोलो अपने सुविचार। हेलो हेलो एवरीवन। ठंडा ठंडा कूल कूल इन वादियों के मजे लिए जा रहे हैं अपने सोलमेट के साथ। कश्मीर में क्या होता है ना, ऐसे जैसे बोट चला रहे होते हैं ना, हाँ वहाँ तो बड़ी होती है ना वो, तो बोट सिकारा सिकारा बोट होती है कश्मीर में। वहाँ आप गए हो कश्मीर? जाएंगे, अब प्लान बनाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिप कश्मीर की बनाएंगे और कश्मीर का ब्लॉग, कश्मीर का व्यू भी दिखाएंगे हम आप लोगों को। अभी नैनीताल से हम कश्मीर की बातें कर रहे हैं, कोई नहीं अभी तो बातें ही कर रहे हैं। एक दिन हम जाएंगे भी और कश्मीर में डल। We'll be right back.
हो जाती है। तो इतना बढ़िया मौसम देख के भाभी जी ने गाना भी सुना दिया और भाभी जी का गाना अच्छा लगा तो आप लोग जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब भी करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो पहुंचाए लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग ये शेयर करिए और बाकी इतनी ब्यूटीफुल सीनरी और हमारी वीडियो में ऐसे ही प्यार देते रहे, थैंक यू सो मच। तो टारगेट देते हैं आपको जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर करवाइए हमारे आप जल्दी से। और देखिए ब्यूटीफुल व्यू और ये हमारी ब्यूटीफुल साक्षी और दिव्यम साक्षी के ऊपर पानी डालते हुए, भाई मेरे फोन के ऊपर मत डाल। तो फ्रेंड्स देखिए ये इतना ब्यूटीफुल सा होटल है लेक के बीचों बीच, लेक के साइड लोकेशन में और फाउंडेशन देखिए इसकी पूरी पानी में है। तो देखिए गजब का आर्किटेक्चर है इधर पे और यहाँ पे रास्ता देखो बोट बोट से, ये देखिए रास्ता बना रखा है। हाँ होटल की पर्सनल बोट है देखो, स्काउट मर्लिन एलुएट सेंटोइस प्रे अलग अलग नाम है स्टेला। तो देखिए इधर पे रेस्टोरेंट है होटल का, ये देखिए उस साइड पे रूम्स होंगे, यहाँ पे ये विंडोज दिख रही हैं। ये बहुत ही प्यारा बहुत ही ब्यूटीफुल होटल है और ये लोकेशन भाभी को बहुत अच्छी लग गई है और अभी हमारी बोटिंग फिनिश हो गई है। तो बोटिंग फिनिश हो गई हमारी तो हम उतरते हैं इधर से। तो फ्रेंड्स जिस बोट में हम घूमे देखिए उस बोट की बनने की प्रोसेस, अभी ये बोट बन रही है, यहाँ पे सारा सामान रख रखा है, ये देखिए ये सारे इक्विपमेंट है और 3 लाख रुपए लग जाते हैं बोट पूरी एक बोट बनने में, अच्छा खासा एक्सपेंडिचर है इसमें, ये देखिए बहुत हैवी कॉस्ट की बोट है, ये देखिए। तो भाई ने मजाक कर दिया उनसे कितने की दे रहे हो और वो कोई जवाब नहीं दे पाए। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं बंद मक्खन खाने, ये हमारा पुराना स्टेशन है बंद मक्खन का और नैनीताल के वन ऑफ द बेस्ट बंद मक्खन आपको यहीं मिलेंगे और चाय भी एक नंबर बनाते हैं अंकल। तो अंकल आंटी की ये शॉप है, तो देखिए बंद मक्खन बनाने की प्रोसेस बहुत स्पीड में बना देते हैं अंकल जी, अभी सेके जा रहे हैं बन। लो तो फ्रेंड्स हमारे बन मक्खन आ चुके हैं तो हम लोग खाते हैं बन मक्खन, सब लोग हम एक एक बन मक्खन खाएंगे, ये देखिए ब्यूटीफुल सा बन मक्खन। और चलो आप फोटो खिंचाते हैं थोड़ी देर, ये देखिए इधर इधर दे दो तो दो इन्हें भी, थैंक यू अंकल जी। तो फ्रेंड्स बन मक्खन के साथ हमारी चाय भी आ चुकी है, अंकल जी ये यहाँ पे रख दीजिएगा, थैंक यू। ये लीजिए सर, एक और ला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स हम घूमते घूमते तल्ली ताल को पहुंच गए हैं और देखिए तल्ली ताल में पूरा शैडो हो रखी है और ऊपर को अभी पहाड़ों में धूप है, नीचे को धूप हट गई है और देखो अभी भाभी इसको भाभी हेलो यहाँ देखो तो ये साक्षी पाटनी और ये दिव्यम थक गया शायद। तो हमारा नैनीताल अब घूम लिया हमने, अब चलते हैं थोड़ी देर बाद घर को। अरे यार अंकल जी अभी गिर गए थे। तो अंकल जी चोट वोट तो नहीं आई? स्कूटी से गिर गए थे अभी अंकल जी। फ्रेंड्स हम लोग नैनीताल घूम लिए हैं, हम लोग बैठ रहे हैं कार में और चलते हैं अब घर को, घर पहुंचने के बाद मिलते हैं हम आप लोगों से।
हम लोग घर पहुंच चुके हैं और करता हूं इस वीडियो को यहीं पे एंड, और गुड नाइट आप सभी को, और मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए आप लोग जाइए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और साथ ही लाइक और कमेंट भी करिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे।